हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड दिखाई दे रहे हैं, ये है कार्ड नंबर 1 और ये है कार्ड नंबर 2। तो जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है चुन लीजिए। आपको पता है सुबह का संदेश, हम हर रोज़ सुबह 6 बजे वीडियो देखते हैं, आपके लिए ये वीडियो पोस्ट होता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगता है। बहुत ज़्यादा समय आपको हम नहीं दे सकते हैं, सुबह का वीडियो है, तो इसलिए जब आपको लग रहा हो कि बहुत जल्दी जल्दी वीडियो आ रहा है, बन रहा है, मतलब जल्दी जल्दी हम हर चीज़ आपको बता रहे हैं, तो आप वीडियो को यहाँ पर रोक दीजिए। उसके बाद प्रार्थना कीजिए और दोनों कार्ड्स को देखिए। अगर आपको ये कार्ड्स पसंद आ रहा है तो ये चुन लीजिए, जिस पर कुछ नहीं है, बस एक कलर है, ठीक है। ऑरेंज कलर का ये कार्ड है और ये है वाइट कलर, ठीक है, एकदम सफ़ेद रंग का ये कार्ड है। बस तरीका ये है कि आपको ये लगे कि हाँ, आप ने ये कार्ड चुना है तो ये आपके लिए होगा। बस यही एक वजह है कार्ड्स को रखने की, ठीक है। अगर साईं बाबा के कार्ड्स हैं, अगर आप इसे जीवन में फॉलो करते हैं अपने, तो आप तरक्की करेंगे, ठीक है, नुकसान नहीं होगा इससे कुछ। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, यानी ऑरेंज कलर का कार्ड आपने चुन लिया है आज के संदेश के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या संदेश है आज के दिन के लिए, साथ में आने वाले कुछ समय के लिए। आपको जीवन में कैसी सोच रखनी है आज के दिन के लिए, क्या खास है आपके लिए साथ में आने वाले समय के लिए, ठीक है। देखिए आपके लिए जो कार्ड आया है ना, बहुत अच्छा कार्ड आया है। इस पर लिखा है पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारी को ज्ञान में बदल दीजिए। देखिए क्या होता है ना, हमें अच्छी अच्छी बातें पता तो होती हैं कि जीवन में ऐसा करना चाहिए, ऐसे ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसी सोच रखनी चाहिए। हम ये सारी चीज़ें अपनी जो धार्मिक पुस्तकें हमारी हैं, हर एक धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, आपको भी पता है। लेकिन गलती क्या करते हैं ना कि हम जानते तो सब कुछ हैं लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। तो ये आपके लिए एक कार्ड आया है, तो ज़रूर वो सब बातों पे आप ध्यान कीजिएगा और उसे अपने जीवन में आप उतारिए, तभी उसका फ़ायदा आपके जीवन को होगा, साथ में आपको होगा। जीवन को फ़ायदा होगा तो आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये पुस्तक आप पढ़िए और साथ में जो भी जानकारी आपको मिलती है उसे अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में, अपने नेचर में उसको उतारने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे देखेंगे ना कि आप सब कुछ उसी हिसाब से करते चले जा रहे हैं। और जो भी धर्म के रास्ते पर चलता है ना, वो कभी गलत नहीं करता है, वो हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलता है, ये ध्यान रखिएगा। देवी समय, यानी कि कुछ तो ऐसा है जिसको पाने के लिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं और आपको लगता है कि वो शायद आपको नहीं मिलेगी वो चीज़, ठीक है। आपके मन में ऐसा कुछ हो रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि शायद इतना देर हो गया है, अब ये चीज़ शायद ना हो मेरे साथ, या फिर ये चीज़ मैंने मांगी थी ये पूरी नहीं हो रही है, शायद अब ना हो। तो ये संदेश आपके लिए है, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तो जो आपका है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। यहाँ दैवी समय लिखा है, यानी कि वो चीज़ आपको तब मिलेगी जब उसका सही समय होगा। कहते हैं ना कि जीवन में हर एक चीज़ का होने का समय पहले से तय होता है, और वो तय समय जो होता है वही उचित समय होता है उस चीज़ के लिए। तो आपको भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। वो चीज़ होगी आपके जीवन में लेकिन सही समय पे, सही समय पे अगर चीज़ें होंगी तो वो आपके लिए सही होंगी। वक्त से पहले अगर कुछ मिल जाता है तो वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो इस पर विश्वास रखिएगा कि वो चीज़ आपको मिलेगी, बस वो अपने सही समय पर मिलेगी आज के दिन के लिए, साथ में आने वाले कुछ समय के लिए ये संदेश हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा ये समय, सॉरी समय नहीं, मतलब ये संदेश पसंद आया होगा, तो ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ओम श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूला कीजिए जब भी आप ये संदेश देखते हैं तो, ठीक है। आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, यानी कि ये वाइट कलर का कार्ड आपने चुना है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है और क्या संदेश है आज के दिन के लिए, साथ में आने वाले कुछ समय तक आपको अपने सोच को कैसे रखना है, किन रास्तों पे चलना है, किस रास्ते पे, मतलब किस सोच के साथ चलना है, ठीक है। सब कुछ यहाँ से पता चलता है आपको, ठीक है, हर एक चीज़ है इस संदेश में। मैं देखती हूँ आज क्या चीज़ आपके लिए आ रही है, क्यों आ रही है। 3 कार्ड, साथ में एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए। 3 C आपके लिए है, कट, क्लियर, कैंसिल। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ है ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ परेशानियों को हम परेशानी समझते हैं लेकिन असल में वो परेशानियाँ होती नहीं,
कभी कभी छोटे छोटे चीज़ों से, जैसे मान लीजिए आप पर्सनल लाइफ पर ले लीजिए कि उस इंसान ने मुझसे बात नहीं की, उसका मैसेज नहीं आया, तो इन सब चीज़ों को हम इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि जीवन में सब कुछ यही है, इससे बड़ी कोई परेशानी है ही नहीं। असल में वो परेशानी नहीं होती है। यकीन मानिए वो जीवन का सबसे अच्छा समय है आपका, जब आपके लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं और आपको लगता है कि ये परेशानियाँ हैं। जब परेशानियों से आपको असल में सामना होगा ना, तब आप कहेंगे कि सच में कि वो जो चीज़ों को मैं परेशानियाँ समझ रहा था या समझ रही थी, वो तो परेशानियाँ थी ही नहीं, वो तो लाइफ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपके लिए कार्ड है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को अपनी परेशानी बना लिया है, वो है नहीं परेशानियाँ। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइफ का एक पार्ट है, वो लाइफ है। कोई आपसे बात नहीं कर रहा, वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं फेल हो जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं क्लियर हो रहा है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सब लाइफ की परेशानियाँ नहीं हैं। इससे आप लड़ सकते हैं, अच्छा बेहतर करके आप सफल हो सकते हैं, इसको परेशानियाँ नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए है, कट क्लियर कैंसिल कीजिए, देखिए क्या परेशानियाँ हैं और किसको आप परेशानियाँ बना रहे हैं। धुनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां में धुनी में जला दें, सब कुछ ईश्वर को सौंप दीजिए, बिल्कुल अपने मन को क्लियर रखिए, अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे, अपने अपने काम पे ध्यान दीजिए। ठीक है, दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय बनिए, यानी कि यह है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम तो इतने अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी लोग हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं और हमें उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना हमें देना चाहिए, लोग मतलब लोगों को देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके नेचर में कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए कहते हैं कि दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है, निश्चयी होना कि जो भी आप बात कर रहे हैं उस बात पे बने रहें, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उस पे बने रहें। तो अपने अंदर इतनी दृढ़ता को ले आइए। ठीक है, अच्छे भी रहिए लेकिन इतना देखिए कि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। आपके लिए कार्ड और है समर्पण का। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति का सामना करने दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये कार्ड आपके लिए है, इस हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ें, देखेंगे आप तरक्की करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का संदेश आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओम साईं राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।